तो दोस्तों आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ किस तरीके से एक तो नॉर्मल एप्लीकेशन बना सकते हैं, उससे भी अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हो। $100-$200 अगर आप अर्निंग करना चाहो तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी खुशी यही होती है, जय को कोई भी इंसान हो उसको यही खुशी होती है जब उसके सामने वाला खुद अर्निंग करने लगता है। तो जैसे कि पिछले कल को मुझे काफ़ी लोग ने स्क्रीनशॉट भेजा था मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और मेल पे कि भाई मेरी अर्निंग हो रही है, साथ साथ सिर्फ बोला नहीं था उन्होंने पूरी स्क्रीनशॉट भी दिखाया था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि लोग जब अच्छा काम करते हैं उनको अच्छा खासा अर्निंग होना स्टार्ट हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। तो आप लोग भी अच्छी खासी अर्निंग करिए, जहाँ से भी तबीयत हो वहाँ से करिए, लेकिन अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हो कहीं से भी अगर आप मन लगा के काम करो तो। तो यहाँ पे ये मेरा दूसरा चैनल, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लेना, आपको मिल जाएगा चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो साथ साथ आज मैं आपको एप्लीकेशन जो बनाने के सिखाने वाला हूँ, जैसे कि आपने सुना ही है बीबीक्यू वाइन के बारे में, तो उस तरह के एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर अमित बड़ाने हो गए या इस तरह के जो फेमस पर्सनैलिटी होती है यूट्यूब के भी, तो उनके भी लोग काफ़ी ज़्यादा सर्च करते हैं, चाहे प्ले स्टोर हो चाहे ऐप स्टोर हो iOS का, तो कहीं पर भी लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन हो सकता है, इसका भी इस्तेमाल बहुत कम लोग कर रहे हैं क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन कम है। तो अगर आप भी इसमें अर्निंग करने का सोच रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। जैसे पिछली वीडियो में मैंने फ्री पाई वाला और टी सीरीज़ और इससे पहले मैंने एक तो पबजी का गाइड वाला बताया था किस तरह का एप्लीकेशन बनता, साथ साथ एप्लीकेशन को मैं मॉडिफाई करके जल्दी उसकी फाइल टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आपने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लो, तो जान लेते हैं किस तरीके से एप्लीकेशन क्रिएट किया था। काफ़ी ज़्यादा सिंपल स्टेप है, बस आपको फॉलो करना है। एक बार आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और से एप्लीकेशन बनवाने की, आप खुद एप्लीकेशन बना के अर्निंग कर सकते हो अगर चाहोगे तो। और बहुत लोग अर्निंग कर रहे हैं, कल को मुझे जो स्क्रीन शॉट मिला था उसमें उसने जो है $15 कमा लिया था 10 दिन में। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि एक नए यूट्यूबर के लिए या एक नया एप्लीकेशन कोई बना के अर्निंग कर रहा है और उसका अगर $10 भी होता है पहली बार में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है $10-$15। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे आप भी कमा सकते हो। तो इस एप्लीकेशन को बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आज जो हम ट्राई करने जा रहे हैं वो कोडुलर पे ट्राई करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ बीबीक्यू वाइन, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये सिर्फ एक तो एग्जांपल के तौर पे बना रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पस से कि आप कितना ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। इस एप्लीकेशन को क्रिएट करना भी काफ़ी ईजी है, तो आपको इससे एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप क्या करिएगा, यहाँ पर आ जाइएगा लेआउट पर, लेआउट पर आने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा वर्टिकल अरेंजमेंट। तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, तो वर्टिकल अरेंजमेंट को यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। इसको क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ पे फिलफिल कर लीजिएगा, ये दोनों आपका फिलफिल रहना चाहिए। तो इस तरह के एप्लीकेशन को आप बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेंटर में आ गए, इसको दोनों को सेंटर आप जो है कर लीजिएगा। सेंटर करने के बाद आप नीचे जो है आ जाइएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इमेज का ऑप्शन। तो अभी इमेज भी लगाना है तो वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूँगा। तो एप्लीकेशन बनाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आप जब इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है इमेज पे, ठीक है। ये इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इमेज को आप यहाँ जैसे ही रखोगे तो ये फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है, एकदम बीचों बीच में आ जाएगा। तो सिंपली अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं अपनी इमेज को। तो इमेज डालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ इमेज पे क्लिक करोगे, इमेज पे क्लिक करने के बाद आप आ जाना अपने गूगल इमेज पे आ जाना, या गूगल पे सर्च कर लेना बीबीक्यू वाइन की PNG को, या कोई सी भी आप एप्लीकेशन को जिस तरह की बना रहे हो उसको आप यहाँ पे सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद बेसिकली आपको वापस आ जाना, इसको डाउनलोड करके बेसिकली चलिए हम यहाँ पे अपने पिक्चर को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया अपलोड फाइल का, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया था उसको यहाँ से उठा लेते हैं और इसको यहाँ पे लगा देना। तो काफ़ी ज़्यादा इजी स्टेप है, आप अगर अर्निंग करना चाहो तो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, क्योंकि इससे भी लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहे हो। ये सब चीज़ें जो है ना, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई कौन सर्च करेगा, तो हो सकता है कि आप ना सर्च करो लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो इससे जो है अर्निंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको 30 का इस्तेमाल करते हैं, देखते 30, तो देख सकते हैं इस तरीके का। अगर आप बड़ा रखना चाहो तो बड़ा भी रख सकते हो, तो यहाँ पे भी हम इसको कम कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग 30 कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने 30 कर लिया। थोड़ा इसका साइड जो है वो सही करना पड़ेगा, तो उसको भी चलिए थोड़ा साइड कर देते क्योंकि बीच में नहीं रहेगा तो देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। तो वर्टिकल अरेंजमेंट में आ जाते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग सेंटर में क्लिक कर लेते हैं दोनों को,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम लोग थोड़ा सा, चलिए इसको थोड़ा बड़ा ही कर देते, बड़ा भी रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे अभी इसको नॉर्मल कर देते हैं, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको 40 कर देते हैं। तो यहाँ पे 40 सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो इससे कि इमेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी थोड़ा इसको जो है ना, ये इसकी इमेज को जो वर्टिकल अरेंजमेंट है आपका, वर्टिकल अरेंजमेंट, तो इसके साइज़ को भी आप क्या करिए ना, इसके इमेज में आइएगा, इसको वाइट कर दीजिए, क्योंकि वाइट रहेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड का देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद आप आ जाना ये सेंसर में, ठीक है। सेंसर में आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लॉक, ठीक है। क्लॉक को उठाना, यहाँ पे रख लेना। रखने के बाद आप फिर से यूज़र पे आ जाना, तो यहाँ पे लेबल को भी सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेबल आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, लगाने का काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे आप आ जाना, यहाँ पे आप इसको सिंपली डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो ये बिकेम नाइस, ठीक है। बेबी की बाइंग्स यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, इसको कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कलर आपको, सॉरी, यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर, यहाँ पे फॉन्ट टाइप पे आ जाते हैं, तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे खासे फॉन्ट आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद आप फॉन्ट को ऊपर आ जाना, इसको यहाँ पे बोल्ड कर दो, इलेटिक वो इटैलिक कर दो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, बैकग्राउंड कलर नहीं। चलो यहाँ पे और कुछ देख सकते हो, अगर आपको और भी कुछ इसमें ऐड करना है, टेक्स्ट कलर हो गया, ठीक है, जैसे ये ब्लैक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिको, ठीक है, इंडिको, ये भी जो है अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इस तरीके इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका एक सिंपल एक प्रो लेवल का एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पे इस तरीके से आपके यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपली थोड़ा ये हम लोग डिज़ाइन भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को। यहाँ पे आप अबाउट में लिख सकते हो, अबाउट में बेसिकली लिख सकते हो जैसे, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, कॉपीराइट बाय, ठीक है, इस तरीके से आप अपना लिख सकते हो, ताकि कोई आपका जो है अगर कॉपी कर ले तो यहाँ पे एक प्रूफ के तौर पर रहे, क्योंकि बहुत लोग ये नहीं जानते। तो इसका भी कलर अगर आप सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन। तो इसमें हम लोग कर लेते हैं ब्लू, ठीक है, यहाँ पे हमने ब्लू को कर लिया। ब्लू करने के बाद थोड़ा चलिए एडिट कर सकते हो, अगर आप स्टेटस को चेंज करना चाहते हो, ये जो स्टेटस है ऊपर वाला, इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद चलिए एक अच्छा सा कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा ये दिक्कत करता है, तो यहाँ पे हम लोग डाउन पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको ढेर सारे कलर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप रेड को भी सेलेक्ट कर लोगे, रेड कर लोगे, देख सकते हो रेड कर लोगे अच्छा लगेगा। अब ये जो आपको दिख रहा है इसको हटा ही दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या इसमें अगर आप रखना चाहो तो इसका भी कलर आप क्या करो, रेड कर दो, अच्छा लगेगा। बाकी आप इसमें नीचे आ सकते हो, टाइटल है स्क्रीन वन, ठीक है, तो इसको आप एडिट करके लिख सकते हो, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पे भी इसको इस तरीके से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखने का तबीयत कर रहा है। यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा इस तरह का बेकार लग रहा है ये, तो यहाँ पे आप देख लेना, सर्च कर लेना इस तरह का, अगर मैं बनाऊँगा तो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबटाइटल भी पूछ रहा है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी आप यहाँ पे नीचे आ जाओ, या अगर इसको हटाना चाहते हो टाइटल को, यहाँ पे इस तरीके से हटा भी सकते हो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको हटाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो और लगाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो फ्रंट स्क्रीन है वो क्रिएट हो जाता है। उसके साथ साथ आप एक तो ऐड स्क्रीन कर लेना, दूसरी स्क्रीन का नाम आप लिख सकते हो, होम हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, होम को लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप जब दूसरी स्क्रीन क्रिएट करोगे तो आपकी सिंपली इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये आपकी जब स्क्रीन ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाना एकदम, ठीक है, एकदम आप जो है आ जाना एकदम नीचे 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 और नीचे और नीचे। यहाँ पे आप क्या करना है, इसका टाइटल जो है इसको उड़ा देना, ठीक है। टाइटल जब उड़ा दोगे तो इस तरीके यहाँ पे स्टेटस बार दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे स्क्रीन ओरिएंटेशन, इसको आप अगर फुल सेंसर पे लगा दोगे तो फुल सेंसर पे सही चलेगा, क्योंकि वीडियो भी प्ले होगी। तो यहाँ पे नेविगेशन कलर जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग रेड को सेलेक्ट कर रहे हैं, रेड सही लगता है। उसके साथ साथ
क्लोजिंग स्क्रीन का एनिमेशन जो है आप यहाँ पे हॉरिजेंटल लगा सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे अब कुछ नहीं करना, सिंपली आप यहाँ पे आ जाना एकदम नीचे, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, वेब व्यू करना है, ठीक है। अब वेब व्यू वाला आपको सेलेक्ट कर लेना, चलिए हम लोग वेब व्यू वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको वेब व्यू वाला सेलेक्ट कर लेना है, भूल गए, एक मिनट, यहाँ कहाँ था, तो यहाँ पे सॉरी, ये हम लोग कहाँ जाते हैं, ये है, ठीक है, ये वेब व्यू है आपका, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे लगा देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हो, इसका हर चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट होता है, तो फुल स्क्रीन ये ऑटोमेटिक ले लेगा। तो डेस्कटॉप मोड पे नहीं लगाइएगा, क्योंकि डेस्कटॉप मोड पे कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे मांगेगा होम यूआरएल, तो होम यूआरएल सिंपली आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। बीबी वाइन का सेलेक्ट करना, तो बीबी वाइन का सेलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है चैनल, चैनल खोलने के बाद जैसे आप देख सकते हो ये मेरा चैनल है, इसके लोगों को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो काम है वो पूरा हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद अभी एक और चीज़ आपको करना है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं हम लोग की स्क्रीन ओपन होने से पहले ये जो है इसमें जो आपको क्लॉक का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे सिंपली इसको क्या करिएगा, 5000 कर दीजिएगा, ठीक है, 5000 यहाँ पे कर दीजिएगा और इसको यहाँ पे ऑफ़ कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑफ़ कर दीजिएगा। तो फिर उसके बाद जो है ऊपर आ जाना, ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे जो है सिंपली ब्लॉक में आ जाइएगा। ब्लॉक में आने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रीन वन है, ठीक है, तो वन स्क्रीन वन इनिशियलाइज, ठीक है, इस पर आ जाइएगा। सॉरी, इसको यहाँ पे काट दीजिएगा, सिंपली आप जो है क्लॉक ले लीजिएगा। तो क्लॉक लेने के बाद सिंपली यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे ओपन करना है दूसरी स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं दूसरी स्क्रीन को सेलेक्ट करने के लिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट मिलने के बाद आपको यहाँ पे इसको लगा दीजिएगा और यहाँ पे होम लिख दीजिएगा, जो कि आपकी दूसरी स्क्रीन है, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, दूसरी स्क्रीन ओपन हो जाएगी जैसे ही वो होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सेकंड स्क्रीन पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऐड भी लगा सकते हो। ऐड लगाने के लिए आप एडमॉब, एडसेंस, ऐप लविंग किसी का भी इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। अभी हम लोग डिज़ाइनिंग पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप एड्स का इस्तेमाल करोगे तो वाइट बैकग्राउंड पे तो अच्छा भी लगता है, बाकी आप दूसरे कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी ढेर सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे कोडुलर वगैरह में मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें लेडबोल वगैरह का हर का आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप मोनेटाइजेशन पे देखोगे तो चमेलिया, फेसबुक, लेडबोल, वाइट मोबी, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बैनर ऐड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे नीचे आपका ऐड भी शो होगा और वो भी इस तरह शो होगा। तो होप आपको मैंने जो है पूरा बता दिया कि इस तरीके से एक नॉर्मल एप्लीकेशन को क्रिएट किया जाता है और इससे भी काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे या गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको अमित बढ़ाना या इस तरीके का फनी स्टोर, आप इसमें किस तरीके एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे मैंने बताया किस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशन पेश किया जाता है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे बीबी वाइन साउंड करके यहाँ पे चैनल भी जाएंगे, इस तरीके से चैनल को आप लगा सकते हो अपने उसमें एप्लीकेशन में अगर आप चाहो तो। बस एप्लीकेशन की एक बार अगर आप चाहो तो परमिशन ज़रूर ले लेना इन लोग से अगर अपनी एप्लीकेशन में लगा रहे हो, ताकि आपको कोई भी इशू फेस करना ना पड़े। हालांकि इस तरह के वीडियो के लिए अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।